बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 पहला अपने कंप्लीट हो चुका है। पूर्ण वर्ग विधि चल रही थी जिसमें अपने पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण था कैसे बाहर करते वो सीख रहे हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5x² - 6x - 2 = 0, इसका भी द्विघात समीकरण का आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए आपको x² का गुणांक है वो इकाई होना, तो यहाँ देखिए आप x² का गुणांक इकाई है क्या नहीं, इकाई का मतलब एक होना चाहिए इसका गुणांक, तो इकाई नहीं होने पर आपको इसी का आपको भाग लगाना है, पांच का भाग पूरी समीकरण के दोनों पक्ष में लगाना है। तो आपको साइड में लिखना है यहाँ पे 5x² - 6x - 2, इसमें आपको 5 का भाग लगाना है साइड में, इसके लिए x² का गुणांक इकाई बनाना है, x² का गुणांक इकाई बनाना है। अगला जो काम करना आपको वो है अचर पद है उसका पक्षांतर करने पर, तो अब आप लिख दीजिए अचर पद का पक्षांतर करने पर, अचर पद यानी जिसमें अक्ष नहीं है उसका पक्षांतर करना है, उसको दूसरी साइड में देखना आपको, आप देख सकते हो x² - 6/5, इसमें अचर पद 2/5 उधर जाकर प्लस का हो गया, ठीक है पहले बच्चों ने यहाँ देख लीजिए। अब आपको अगला काम क्या करना है वो है आपका अक्ष का गुणांक का आधा करना, अक्ष का गुणांक कितना बच्चों माइनस का 6/5, इसका आधा करोगे, आधा करने का मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराना है, और 1/2 से मल्टीप्लाई कराते वक्त ये ध्यान है कि गुणा का ही रूल लगेगा, यानी ऊपर नीचे कटे तो काटना है, वो जो मान आएगा उसका वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ना है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ अक्ष के गुणांक -6/5 का आधा, और आधा कितना होगा -6/5 को 1/2 से गुणा कराने पर जो मान आएगा -3/5 का वर्ग समीकरण के दोनों पक्षों में कितना बना x² - 6x/5 है, इसमें आपको दोनों पक्षों में अक्ष का गुणांक आधा है -3/5 का वर्ग है जोड़ना, तो जोड़ने के लिए जोड़ का चिन्ह और वर्ग का चिन्ह जोड़ना, तो पोस्ट में लिखे लाभ होगा, इसी प्रकार 2/5 में भी -3/5 का स्क्वायर करके जोड़ना है। इतनी चीज क्लियर होगी सबके, इसके बाद में समझा दिए ऐसा करते ही हमारा क्या होता है LHS यानी जो बायां पक्ष है वो आपका पूर्ण वर्ग बन जाता है, क्या बन जाता है पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो आप देख सकते हो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए स्क्वायर वाली चीजों को देखिए, यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर है, इन दो चीजों पे निगाह रखिए, इसका भी आधार लेना है इसका भी आधार लेना, तो यहाँ आधार में अक्ष आया यहाँ आधार में -3/5, ये ध्यान रखिए 3/5 से केवल -3/5 है, और फिर क्लोज करके स्क्वायर लगाना बराबर में इसको हल करना, तो यह करने पर 2/5 स्क्वायर को लिए तो याद रहेगा 2/25, क्योंकि किसी भी माइनस की संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, और 3 का भी वर्ग होगा 5 का भी होगा, तो 3 का वर्ग 9 5 का वर्ग 25, आगे समझे थे अक्स -3/5 का होल स्क्वायर दिया आपने इस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे 25 आएगा 5 का इसमें 5 को 2 से गुणा किया था, इसका बाद इसमें 1 बार 1 को 9 से गुणा किया तो यह आया 19/25, कितना है बच्चों 19/25। अब यहाँ पर वर्ग करने पर जो भी यहाँ पर मान बना है वो तीन रूप लेता है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक एक शून्य, जब आपने ऋणात्मक आएगा तो लेस देन 0, धनात्मक आएगा तो उसको ग्रेटर देन 0, और बराबर 0 आएगा तो उसको वैसा ही रखना है, तो यहाँ पर ये जो मान आया है वो कैसा है बच्चों 0 से बड़ा है, अब 0 से ये बड़ा है मान तो आपको क्या करना है इसके मूलों का अस्तित्व होगा, बराबर 0 होगा तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन ये मान अगर 0 से छोटा है तो आपको केवल केवल लैंग्वेज देखनी है कि किसी भी संख्या का वर्ग है ऋणात्मक संभव नहीं है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो यहाँ पर आपका मान धनात्मक बना है, और धनात्मक बनने पर मैंने बताया था यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर अगली संख्या के वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा और बाहर दोनों चिन्ह प्लस में, अब ये जो संख्या इसका वर्गमूल है
का वर्गमूल होता है क्या, 25 का भी होता है क्या, तो 19 का वर्गमूल नहीं होता क्योंकि उन्नीस अभाज्य संख्या है और 25 का वर्गमूल तो क्या होता है 5, 12 प्लस माइनस में 2 होते 5। अब आपको यहाँ पर दो स्थितियाँ बनानी है, स्थिति फर्स्ट में आपको धनात्मक चिन्ह लेना है और स्थिति सेकंड में आपको क्या लेना है ऋणात्मक चिन्ह। आपको लिखना है यहाँ पर कॉपी के दो हिस्से करते हैं और इधर लिखना है स्थिति फर्स्ट, इधर स्थिति सेकंड, इधर धनात्मक चिन्ह लेने पर और इधर ऋणात्मक चिन्ह ले। इसके बाद में यहाँ पर x माइनस 3/5 इसका मान धनात्मक लेना है तो प्लस का रूट 19/5 ले सकते हैं और इधर ऋणात्मक लेंगे तो x माइनस 3/5 बराबर कितना माइनस रूट 19/5 ले सकते हैं। यहाँ से x निकालेंगे तो 3/5 उधर जाएगा तो रूट 19/5 में 3/5 उधर जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ बट्टे में अपने लघुत्तम है तो दोनों का हर सेम है तो 5 आया तो ये बन गया रूट 19+3 अर्थात x बराबर रूट 19+3/5। यह आपका पहला आपका द्विघात समीकरण का मूल है। यहाँ से हम निकालेंगे मान तो माइनस रूट 19/5+3/5 लघुत्तम प्लस सॉरी 5 दिया है माइनस रूट 19+3/5 यानी द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या क्या है रूट 19+3/5 और माइनस रूट 19+3/5 इस चीज को आप शायद लिख सकते हो। अतः द्विघात समीकरण के दोनों मूल निम्न है क्या क्या है रूट 19+3/5 कॉमा माइनस रूट 19+3/5। इस तरह से आप 100 क्वेश्चन को खत्म करना था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड नंबर, इसी का थर्ड है। आपको इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप इनको स्पीड से कर सकते हो, वरना इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। बाकी जो उन्होंने कर ली थी और आगे जो आगे करेंगे दूसरी बात इस सूत्र से सिद्ध रहता है सूत्र, उसमें टाइम कम लगता है इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4x² + 3x + 5 = 0। यहाँ पर भी आपको जो मूल या जो हल ज्ञात करना है वो पूर्ण वर्ग से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, तरीका वही है कि सबसे पहले आपको x² का गुणा लिखा जाना है। तो x² का गुणा इतना ही है इसलिए 4 का भाग पूरे समीकरण में देंगे तो 4x² + 3x + 5 = 0। इधर भी 4 का भाग, इधर पूरे भी 4 का भाग, तो यहाँ देख सकते हो आप x² का गुणा है दिखाई देना है। यह 4 का भाग इसमें लग रहा है तो बांट दीजिए इसको 4 से तो x² + 3x + 4 + 5/4 = 0। अब आपको क्या करना है x² का गुणा तो जितना ही बनाया है तो x के अलावा आपको अचर पद का पक्षान करना है। आपको क्या करना बच्चों, अचर पद का पक्षान करना, अचर पद का पक्षान करना क्या बनेगा देखिए x² + 3x = -5/4 ये का पक्षान है। अब आपको क्या करना आगे अगला जो चल रहा है वो है x के गुणा का आधा करना। तो x का गुणा 3/4 है, x के गुणा 3/4 का आधा, 3/4 का आधा कितना होगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं कट रहे तो 3/8 का वर्ग समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करना होता है जोड़ना है। अब हम जो वर्ग है 3/8 का वो समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे जोड़ेंगे। अभी हमने ये लैंग्वेज में लिखा है, जोड़ा नहीं है, अब हम जोड़ेंगे।
कितना 3/8 का वर्ग, 3/8 का वर्ग जोड़ना है, इधर -5/4 है, इसमें भी 3/8 का वर्ग जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर अक्ष लेना है, इसको थोड़ा और लिखिए, हल कीजिए, अक्ष स्क्वायर प्लस 3x/4 प्लस 3/8 का स्क्वायर, ये हल कर लीजिए। इधर वाला दाएं अक्ष हमेशा लेना, इधर पूर्ण वर्ग होता है, ये नियम से याद रखिए, -5/4 प्लस 3/8 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 2, 8 का वर्ग 64। अब यहाँ से पूर्ण वर्ग बनाइए इसको, तो यहाँ से अक्ष लेना है, यहाँ से 3/8 प्लस का है, कुछ चिन्ह नहीं, तो आप कह सकते हो प्लस का 3/8, प्लस का 3/8 ऊपर होल स्क्वायर, इसका वापस प्रसार करोगे वापस ये चीज बनेगी, इसको हल कर लीजिए, 64 एलसीएम, 4 से 16 भाग दिया, 16 5 से 80, ये हो गया 9, तो ये हो गया आपका माइनस का 71/64। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अक्ष प्लस 3/8 का होल स्क्वायर ना तो 0 आया ना प्लस का है, कैसा है माइनस का, माइनस का आते तुरंत यहाँ पर लिखिए लेस देन 0, और फिर आपको हल नहीं करना आगे, आपको बस 2 या 3 जो लाइनें जो मैंने बताई है वो आपको लिखना है। क्या बताई थी कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग है ऋणात्मक संभव नहीं है, अर्थात दी गई द्विघात समीकरण के मूल है वो वास्तविक नहीं है, यहाँ किसी भी, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ अक्ष प्लस 3/8 का होल स्क्वायर का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, अतः इस द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं, कोई से भी वास्तविक मूल नहीं, इसके जो मूल है बच्चों वो कैसे है काल्पनिक, जो मूल वास्तविक नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे, वो काल्पनिक मूल आपका, तो इस टाइप से काल्पनिक मूल का अगर आएगा तो उसको भी हम कर सकते हैं। इसका फोर्थ एक और देखिए, फोर्थ में बच्चों आपके देखते हैं अपनी कंडीशन कैसी बनती है, प्लस की अपने कंडीशन बन गई जब वास्तविक और भिन्न है, जब मूल है वास्तविक नहीं है, वो भी हमने क्वेश्चन देख लिया। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें मूल आपके कैसे हो वास्तविक भी हो समान भी हो, यानी यहाँ पर हल करने पर आगे पूर्ण वर्ग वाला जो मान है बराबर किसके बन रहा है 0 के, उस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा है, तो फोर्थ क्वेश्चन देख गया जी का 4x² + 4√3x, क्वेश्चन होता है तो सावधानी रखिए, +3=0, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें तरीका वही है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणा 1 बनाना है, तो इसमें पूरी समीकरण को आप लिख के वापस इसमें क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों में 4 का भाग दे दीजिए, 4 का भाग आप समीकरण करके दोनों पक्षों में, इधर साइड में लिखिए एक्स स्क्वायर का गुणा 1 बनाने का, चार एक्स स्क्वायर में 4 का भाग देना है, 4√3 अक्ष में भी 4 का भाग देना है, 3 में भी 4 का भाग देना है, बराबर कितना आएगा 0, यहाँ से ये 4 कट रहा है, यहाँ पर भी 4 कट रहा है, तो अक्ष स्क्वायर प्लस रूट 3 अक्ष प्लस 3/4 बराबर 0, ये हमने पहला काम कर दिया, अक्ष स्क्वायर का गुणा 1। अगला काम है आपका अचर पद का बक्सांतर, तो आप देख सकते हो √3 अक्ष बराबर -3/4 अक्ष स्क्वायर प्लस √3 अक्ष बराबर -3/4 कैसे बना, अचर पद का अपसारण करने का, अब अगला कदम क्या था, अगला चरण क्या था, वो ये था आपका अक्ष के गुणा का आधा करना है, उसका वर्ग दोनों पक्षों में बदलना है, तो आपको लिखना है अक्ष के गुणा, यहाँ अक्ष के गुणा पहले तो अक्ष का गुणा देखिए कितना सादा करने का मतलब है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 3/2 का वर्ग समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ना है, घटाना नहीं है कभी, जोड़ना है, कितना आएगा x² + √3x + वर्ग करके जोड़ना है किसका,
अस्सी गुना के आधे का रूट तीन बटा दो है आधा इसका, इसका वर्ग दो दिया इधर आर एस में भी इसका वर्ग आपको दो है। ऐसा करते ही हमारा है पच्चीस क्या बन चुका है, पूर्ण वर्ग बन चुका है। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन से मान यहाँ से आपको लेने होते हैं, जिसमें स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है वहां से आधार लेना है, जैसे एक्स स्क्वायर तो उसका आधार एक्स और रूट तीन बटे दो का वर्ग स्क्वायर है तो रूट तीन बटे दो है प्लस का तो उसको लेना। तो आप लिख सकते हो या एक्स प्लस रूट तीन बटे दो का होल स्क्वायर बराबर कितना बनेगा बच्चों, इसको वापस प्रसार करोगे एक चीज बन जाएगी ठीक है, और इसको हल करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस तीन बटे चार प्लस रूट तीन बटे दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा तीन बटे चार। अब देखिए माइनस तीन बटे चार प्लस तीन बटे चार ऐसे मिलकर हल कर लो, चाहे ऐसे आप हल कर लो कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा आपका एक्स प्लस रूट तीन बटे दो का होल स्क्वायर कितना आ गया बच्चों शून्य। अब जब मान शून्य आ गया तो मैंने तरीका बताया था कि इस चीज को आपको दो बार लिख के गुणा करना, इसको वापस क्या करना दो बार लिख के गुणा करना, यहाँ से वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे नहीं हम, वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे अगर तो भी अपने हमें पता है कि प्लस माइनस जीरो होता है तो प्लस माइनस जीरो होता ही नहीं ना, इसलिए हम क्या करेंगे इसको एक्स प्लस रूट तीन बटे दो एक्स प्लस रूट तीन बटे दो हमेशा इसको दो बार लिखेंगे बराबर में कितना जीरो। अब हमारे दो स्थितियाँ वापस वही की स्थिति फर्स्ट जब या तो ये जीरो या ये जीरो तो दोनों मान एक जैसे है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से दोनों के दोनों जो मूल या जो हल आए कैसे आएंगे समान, जब बराबर में जीरो बना तो दोनों मूल हमेशा कैसे आएंगे एक से आएंगे समान आएंगे, इसलिए या तो एक्स प्लस रूट तीन बटे दो बराबर जीरो या एक्स प्लस रूट तीन बटे दो दूसरा वाला जो हो सकता है वो भी जीरो हो सकता है। यहाँ से एक्स बराबर कितना बनेगा बच्चों, यहाँ से बनेगा एक्स बराबर माइनस रूट तीन बटे दो, यहाँ से भी एक्स बराबर माइनस रूट तीन बटे दो, आप देख सकते हैं कर सकते हो पता है उत्तर होते समीकरण के मूल माइनस रूट तीन बटे दो कोमा माइनस रूट तीन बटे दो है, इस टाइप से आप इसको हल करना। एक बात देखिए इसे इसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पूर्ण वर्ग बिंदी में रहेंगे तो आर एस में तीन को निकाल दें। एक सवाल वो है जिसमें आपके संख्याएं नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा आपको दे रखा है लेकिन एक्स का गुणा है और भी यानी अचल पद यहाँ पर अज्ञात राशि भी इसमें चल रही है, सेवंथ क्वेश्चन है इसका पहले का, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो ठीक है भैया। तो ये जो क्वेश्चन आपका इसमें क्या करना बच्चों, इसमें पूर्ण वर्ग विधि लगानी है आपको लेकिन इसमें थोड़ा अक्ष का गुणांक है वो अज्ञात है और अचल पद भी अज्ञात है, तो यहाँ पर बच्चों की दिक्कत आ सकती है तो इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ अक्ष स्क्वायर का गुणा इकाई बनाना है तो अक्ष स्क्वायर का गुणा इकाई है नहीं, इसलिए आपको क्या करना है इसमें दोनों पक्षों में अक्ष स्क्वायर का जो गुणांक है उसी का भाग लगाना है, क्या बना चार अक्ष स्क्वायर बढ़ते चार प्लस फोर बी अक्ष बढ़ते चार माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखते चार बराबर कितना आगे जीरो, या चार से चार कैंसिल ए चार से चार कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखते चार बराबर में शून्य, या आपने कैसे बनाए एक्स स्क्वायर का गुणा इकाई बनाने से, एक्स स्क्वायर का गुणा इकाई बनाने से। अगला अपना जो चरण था वो था अचल पद का पक्षांतर, तो अचल पद का जो पक्षांतर करोगे अचल पद आपका है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे चार, तो ये उधर भेजेंगे तो अभी माइनस का उधर जाकर क्या हो गया ये प्लस का हो गया, तो आप देख सकते हैं अचल पद का पक्षांतर है। नेक्स्ट आपका स्टेप जो है वो अक्ष के गुणा के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में होना, तो आपको लिख रहे हैं अक्ष के गुणा, अक्ष का गुणा कितना बच्चों प्लस का भी है, अक्ष के गुणांक बी के आधे अक्ष के गुणांक यानी बी का आधा बी गुणा एक बटा दो बराबर बी बटा दो का वर्ग
समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ लें, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बटे दो का होल स्क्वायर, इधर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे चार और बी बटे दो का होल स्क्वायर। इतना काम वैसे ही जैसे अपने पिछले सवाल हमने किए हैं उसी टाइप से हो रहा है। अब आगे समझ लें, यहाँ पर आगे सरलीकरण में थोड़ा दिक्कत आ सकती है तो उसको समझ लीजिए अच्छे से, सरलीकरण कैसे करना है स्टार्टिंग। आपको यहाँ से दो बड़े बनेगा ये तो आप देख सकते हो, यहाँ से एक्स ले रहे हैं, यहाँ से दो बट्टा दो, दो बट्टा दो आपका प्लस हो जाता है एक्स प्लस बी बटे दो का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे चार प्लस ये बी बटा दो का होल स्क्वायर बी स्क्वायर बटे चार। एलसीएम लेंगे हल करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हर जब सेम है तो एलसीएम की वजह से भी आवश्यकता नहीं है, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ऐसा ए स्क्वायर बटे चार। अब ये ए स्क्वायर बटे चार बच्चों आपका धनात्मक है अभी, तो यहाँ पर तो मूल होंगे इसके तो आपको ज्ञात करने पड़ेंगे मूल वास्तविक होंगे बराबर तो होगा तो वास्तविक होगा। तब आपको क्या करना है, यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो चीज़ है ए स्क्वायर बटे चार ये अंडर रूट में चली जाएगी और प्लस माइनस का दो, यहाँ ए स्क्वायर का वर्गमूल एक चार का वर्गमूल दो। अब इसके बाद में दो स्थितियाँ वापस वैसे ही धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, आपको लिखना है स्थिति पर इधर स्थिति से फिर धनात्मक चिन्ह आपके पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों का हल करने का तरीका है। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और सेशन अच्छा लगा है तो आपको YouTube चैनल पर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।